आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइन आर्ट्स का सिलेबस टर्म वन और टर्म टू दोनों के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल आर्ट और पेंटिंग, ये दोनों आपके कोर्स है। फाइन आर्ट्स में टोटल 4 कोर्सेज आपको अवेलेबल है। सबसे पहला है पेंटिंग, दूसरा ग्राफिक्स, थर्ड स्कल्पचर्स और फोर्थ है कमर्शियल आर्ट। तो इनके कोड देख लो, पेंटिंग का कोड है 049 और कमर्शियल आर्ट का कोड है 052। हम इन दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे, दोनों का थ्योरी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों के ही सिलेबस को हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि टर्म वन आपका 15 मार्क्स का है और टर्म टू भी 15 मार्क्स है। हम क्लास 12 के लिए आज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं 2021 और 22 सेशन के लिए। तो टर्म वन 15 मार्क्स का है और टर्म टू भी 15 मार्क्स का है, लेकिन टर्म वन में आपके सारे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और टर्म टू में आपके थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे। तो टर्म वन में जो आपके 15 मार्क्स के जो एमसीक्यूज हैं उसमें आपके कितने यूनिट्स आएंगे, 2 यूनिट्स आएंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2। ये आपका टर्म 1 का है और ये वाला आपका टर्म 2 का सिलेबस है। मैं अच्छे से पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी, तो ध्यान से सुनना और अच्छे से नोट भी कर लेना। देखो, थ्योरी का सिलेबस टर्म 1 15 मार्क्स का आपका सिलेबस है। पहले हम यूनिट 1 डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 आएगी आपकी 8 मार्क्स की और यूनिट 2 आएगी आपकी 7 मार्क्स की। तो टोटल आपके 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे और सारे आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब देखो, यूनिट 1 जो 8 मार्क्स की है उसमें ए पार्ट क्या है, राजस्थानी स्कूल, और बी पार्ट क्या है, पहाड़ी स्कूल। मैंने अच्छे से पार्ट वाइज लिख दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। फिर भी मैं आपको सिलेबस के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहां से भी अच्छे से सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। यूनिट 1 आपको कितने मार्क्स की, 8 मार्क्स की, और यूनिट 2 7 मार्क्स की। पहले तो इतना क्लियर होना चाहिए। और टर्म 1 में यूनिट 1 और यूनिट 2 आपसे पूछी जाएंगे, टोटल 15 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब यूनिट 1 के अंदर आपको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक राजस्थानी स्कूल और दूसरा है पहाड़ी स्कूल। और यूनिट 2 के अंदर मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल। ये सारा सिलेबस जो यूनिट 1 और यूनिट 2 में, आप में से बहुत सारे बच्चों ने 11th क्लास में भी स्टडी किया होगा, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आप कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, राजस्थानी स्कूल। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें करनी है वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, सब स्कूल, कौन कौन से सब स्कूल आपको डिस्कस करने हैं, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर और जयपुर। ये सारे सब स्कूल अच्छे से नोट कर लो, बस इन्हीं सब स्कूल का आपको पढ़ना है। थर्ड चीज जो आपको करनी है वो है मेन फीचर्स, क्या करने हैं, मेन फीचर्स आपको करने हैं। और जो फोर्थ चीज आपको जो करनी है राजस्थान स्कूल में वो है इसकी पेंटिंग। कितनी पेंटिंग्स आपको करनी है, 5 पेंटिंग्स आपको करनी है। स्क्रीन पे अभी आपको मेंशन हो रही होगी कौन कौन सी पेंटिंग्स आपको करनी है। तो 5 पेंटिंग्स आपको राजस्थान स्कूल की अच्छे से करनी है, और कोई भी पेंटिंग जो कैंसिल हो गई उसे गलती से ना करना, सिर्फ इन्हीं 5 पेंटिंग करना जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। तो देख लो, पहली चीज ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, दूसरा है सब स्कूल, तीसरा है मेन फीचर्स और चौथा है पेंटिंग। राजस्थानी स्कूल का सिलेबस अच्छे से डिस्कस हो गया। अब करते हैं पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल में भी आपको ओरिजिन एंड डेवलपमेंट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सब स्कूल करने हैं, कौन कौन से, बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चांबा और गरबात, ये 5 सब स्कूल आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपको थर्ड चीज क्या करनी है, वही मेन फीचर्स करने हैं। और फोर्थ चीज आपको करनी है पेंटिंग। कितनी पेंटिंग करनी है, सिर्फ 2 पेंटिंग आपको करनी है। अब राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल के सिलेबस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, डिस्कस करते हैं यूनिट 2 के सिलेबस को। तो 8 मार्क्स हमारे यहाँ से पक्के होंगे, तो हमें बहुत अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। अब यूनिट 2 वो भी कितने मार्क्स की, 7 मार्क्स की आपकी यूनिट 2 है। फर्स्ट टॉपिक है मुगल स्कूल, सेकंड टॉपिक है डेक्कन स्कूल, और ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता है, यहाँ थोड़ा कम है आपके पास पढ़ने के। फर्स्ट चीज आपको करनी है मुगल स्कूल में वो है इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सेकंड आपको करनी है मेन फीचर्स, और थर्ड आपको करनी है पेंटिंग। कोई सब स्कूल वगैरह नहीं करने है, सीधा पेंटिंग करनी है आपको, वो भी कितनी करनी है, 4 पेंटिंग आपको करनी है। उस बार डेक्कन स्कूल डिस्कस करते हैं। डेक्कन स्कूल में आपका क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सेकंड है आपका मेन फीचर्स, और थर्ड आपकी पेंटिंग्स, वो भी कितनी, 2 पेंटिंग्स आपको करनी है। तो ये जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, ये टोटल मिला के आपका टर्म 1 का सिलेबस है। 15 मार्क्स से क्वेश्चन एमसीक्यूज आपसे इसमें पूछे जाएंगे। अगर आपको इसके सिलेबस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं टर्म 2 का सिलेबस, जो भी आपकी 15 मार्क्स की ही पूछी जाएगी। तो टर्म 2 में भी आपके पास यूनिट 3 है और एक है यूनिट 4, ये दोनों यूनिट्स को आपको अच्छे से डिस्कस करना है। यहाँ पे भी यूनिट 3 8 मार्क्स की है और यूनिट 4 7 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। अब यूनिट 3, अब ये वाला सिलेबस ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए न्यू ही होगा, तो अच्छे से इस सिलेबस को पढ़ना है और अभी से पढ़ लेना है। ये मत सोचना कि पहले टर्म 1 का खत्म कर दिया, फिर नवंबर दिसंबर में पेपर देंगे, फिर टर्म 2 का पढ़ेंगे, पहले ही एक बार अपना सिलेबस कवर कर लेना। अब यूनिट 3 देखते हैं। यूनिट 3 में आपके पास जो टॉपिक है वो है बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल आपको अच्छे से करना है। इसके अंदर क्या क्या आपके पास ओरिजिन एंड डेवलपमेंट,
मेन फीचर्स अच्छे से नोट कर लो, बच्चे कुछ ना कुछ भी कर ही देते हैं, तो एक बार अच्छे से नोट कर लो। रीजन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर्स, चार पेंटिंग आपको करनी है, और फोर्थ टॉपिक आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट। तो ये वाला टॉपिक भी आपको जरूर करना है। तो ये चारों टॉपिक आपको बंगाल स्कूल में करने हैं। यूनिट फोर डिस्कस करते हैं। यूनिट फोर में आपके पास पहले तो एक टॉपिक आपका इंडियन नेशनल फ्लैग, जो 7 मार्क्स की अभी पूछी जाएगी ना, उसके अंदर एक टॉपिक था आपका इंडियन नेशनल फ्लैग, तो इसे अच्छे से करना है। दूसरा टॉपिक आपका मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। सेकंड टॉपिक आपको ये करना है, इसके अंदर मैंने पार्ट्स बनाए हैं, देखो ए बी सी। तो फर्स्ट टॉपिक ये है, सेकंड टॉपिक ये है, इसके अंदर आपके पास पार्ट्स होते हैं। क्या चलना आपको मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट में, आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में बताना, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नहीं तो आप इसकी वीडियो देखना, मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट में मैंने सभी पार्ट्स करवाए हुए हैं, पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर्स। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे भी आपने बताया था कि 4 कोर्सेज अवेलेबल है, ग्राफिक प्रिंट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग और कमर्शियल आर्ट। वो आपके किसके अंदर थे, फाइन आर्ट सब्जेक्ट के अंदर 4 कोर्सेज अवेलेबल थे। अब यहाँ पे जाके यूनिट 4 है, इसके अंदर आपको ये तीनों टॉपिक्स तो पढ़नी है। एक टॉपिक क्या पढ़ना है, इंडियन नेशनल फ्लैग। एक टॉपिक तो आपको ये पढ़ना है इंडियन नेशनल फ्लैग वाला। सेकंड टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। इसके अंदर आपके पास 3 टॉपिक्स होते हैं, वो है पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रिंट्स और स्कल्पचर्स। ये कितने कितने पढ़ने हैं आपको, 4 ये 4 ये और 4 ये। सबके मैं आगे फोटो आपको लगा देती हूँ स्क्रीन पे, अच्छे से देख लो कि 4 पेंटिंग्स आपको करनी है, 4 ग्राफिक प्रिंट्स आपको करने हैं, 4 आपको स्कल्पचर्स करने हैं। यही आपको मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट के अंदर करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपका इंडियन नेशनल फ्लैग है यूनिट 4 में, और आपके 3 टॉपिक है यूनिट 4 में। तो देख लो एक बार, वो मैं अच्छे से बता देती हूँ। यूनिट 1 8 मार्क्स की है, यूनिट 2 7 मार्क्स की है, यूनिट 3 8 मार्क्स की है, यूनिट 4 7 मार्क्स की है। ये आपका टर्म 2 का सिलेबस है, ये टर्म 1 के दोनों यूनिट्स आपके सिलेबस में है। टर्म 1 में आपको लग रहा होगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए न्यू होगा सिलेबस, और ये वाला सिलेबस बहुत बच्चों ने पहले से कर रखा होगा। राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, सिंपल है दोनों, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपके पास मुगल स्कूल है और डेक्कन स्कूल है, लेकिन आपको पढ़ना स्टार्टिंग से है, ये मत सोचना कि आप लास्ट में आगे फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। इजी होता है ये सब्जेक्ट, लेकिन आपको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। बेशक आप पूरे वीक में सिर्फ एक बार टाइम दो, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर देना है, या फिर जब आपके टेस्ट है तब थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन एक बार अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, ताकि जब भी आपको कोई टेस्ट हो या आपकी कोई भी एग्जाम हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इनको आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से करना है सिलेबस को, क्योंकि यहाँ से आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को भी अच्छे से करना है, और इस वाले सिलेबस को भी आपको बहुत अच्छे से वैसे पढ़ना ही है। तो मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आप ये पूरा सिलेबस मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, तो आप एक बार वहां से प्लेलिस्ट में से जाके सभी वीडियोस को जरूर देखना, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी लेटेस्ट सिलेबस के बारे में पता चल जाए, या अगर किसी भी बच्चे को नहीं पता हो। थैंक यू।